नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन इंडिया में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के आयोजन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। बीसीसीआई अब आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में करा सकती है। आईपीएल 2020 के आयोजन के लिए बीसीसीआई भारत सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार काफी समय से कर रहा था, क्योंकि बोर्ड को यूएई में काफी तैयारियां करनी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब इस साल आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होगा, जिसके लिए बीसीसीआई तैयारियों में जुट गई है। ये दूसरा मौका होगा जब ये क्रिकेट टूर्नामेंट यूएई में आयोजित होगा। हालांकि पहली बार ऐसा होगा जब ये पूरा टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2014 में करीब 40% टूर्नामेंट यूएई में खेला गया था। दरअसल साल 2014 में पहली बार देश में संसदीय चुनाव के कारण इस कार्यक्रम के पहले चरण को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण यूएई में पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। बीसीसीआई ने पिछली बार की तरह इस बार भी यूएई के दुबई, आबूधाबी और शारजाह में आईपीएल के मैचों की मेजबानी के लिए चुना है। भारत सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, बीसीसीआई हजारों करोड़ रुपए की घाटे से बचने के लिए हर साल आईपीएल का आयोजन कराना चाहती थी, क्योंकि बीसीसीआई और स्टार स्पोर्ट्स के बीच हर साल के करीब 4,000 करोड़ की डील है, जबकि तमाम स्पॉन्सर के साथ ही बीसीसीआई ने सैकड़ों करोड़ की डील की हुई है। ऐसे में बीसीसीआई के पास कोई विकल्प नहीं था कि इस साल टूर्नामेंट के आयोजन को रद्द किया जाए। यही कारण है कि भारत में बढ़ते केसों की वजह से आईपीएल यूएई में होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।